नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं चैनल पर नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइंस और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी स्क्रीन पर जो देख रहे एक प्लान है छोटा सा, वो मैं आपके लिए लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वह वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि हज़ारों प्रकार के हज़ारों अलग अलग टाइप के हम प्लान्स, डिज़ाइंस और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी इस चैनल पर ला रहे हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए आज का प्लॉट का साइज़ जो है, प्लॉट का साइज़ समझ लीजिए, प्लॉट का साइज़ जो है 20 फीट बाय 30 फीट का यह प्लॉट का डिज़ाइन है, प्लॉट का साइज़ है, जिसमें देखेंगे तो किस टाइप में हमने अरेंजमेंट की है वो मैं आपको समझाऊँगा। तो देखिए आउटर वॉल जो है 9 इंच की है और इनर वॉल जो है 4 इंच की है और ये जो है इस साइड में दूसरों की जगह है, इस साइड में भी दूसरों की जगह है और ये जो है इस साइड में भी दूसरों की जगह है। मतलब जो ये तीनों साइड है, तीनों साइड में आजू बाजू में लगभग अलग अलग लोगों की प्रॉपर्टी है। तो हमारा जो फ्रंट है, इस ये जो रोड है इस साइड में है तो इस रोड की तरफ से ही हमारा ओपन एरिया है, बाकी की जो है तीनों साइड में हमारी जगह नहीं है, ठीक है। तो देखिए रोड से हम जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पे हमारा मेन गेट रहेगा, इस मेन गेट से एंट्री करेंगे तो यहाँ पे तो ये जो स्टेयरकेस है इसके नीचे हम आराम से हमारी बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। लगभग 9 फीट का पोर्शन मिल रहा है हमें, यहाँ से यहाँ तक हमारी बाइक आराम से पार्क हो सकती है, दो बाइक आराम से पार्क हो सकती है। उसके बाद में देखेंगे तो देखिए ये स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँचने वाले हैं हम। इस वरांडे पर पहुँचने के बाद एक तो हम लिविंग रूम में एंट्री कर सकते हैं या तो इससे पहले देखेंगे तो स्टेयर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए जो स्टेयर्स है यह देख लेते हैं। देखिए स्टेयर के जो है यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है और यहाँ से यू टर्न करके हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं, मतलब यहाँ पे इस लेवल पर पहुँच जाएंगे, इस स्लैब पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो स्टेयर के जो है आउटसाइड से है तो और ये स्टेयर के जैसे जैसे ऊपर चल जाएगी तो इसके नीचे की जगह जो है हमें पूरी यूज़ करने के लिए मिल रही है, तो हमारी बाइक वगैरह पार्क यहाँ पे आराम से हो सकती है और इसकी हाइट भी काफ़ी ऊपर आती है तो यहाँ से हमें आराम से इस लिविंग रूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेयर के जो है अगर आपका ऊपर का फ्लोर जो है रेंट के हिसाब से देना है तो ये स्टेयर के जो है काफ़ी यूज़फुल रहती है। उसके बाद में एंट्री करेंगे हम लिविंग रूम में। देखिए यहाँ पे हमारा मेन डोर रहेगा लिविंग रूम का और यहाँ पे एक विंडो हम लगा सकते हैं। तो लिविंग रूम का साइज़ जो हमें मिल रहा है लगभग 14 फीट बाय 10 फीट 2 इंच का मिल रहा है, लगभग 14 फीट जो है लगभग यहाँ से यहाँ तक है और 10 फीट 2 इंच है यहाँ से यहाँ तक, तो 14 फीट बाय 10 फीट का यह लिविंग रूम का साइज़ है। प्लॉट का साइज़ छोटा है तो छोटे प्लॉट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया साइज़ मिल रहा है और यहाँ पे तो एक विंडो दिया ही है लेकिन ये जो है इस साइड में भी एक विंडो हमने दिया है लिविंग रूम को, तो वेंटिलेशन इससे काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है, बाद में देखेंगे। तो देखिए हमारा एक किचन है यहाँ पर, किचन का एक डोर रहेगा यहाँ पे, किचन का डोर ओपन करके हम यहाँ पे आप पहुँच रहे हैं। देखिए 8 फीट बाय 7 फीट का यह पूरा किचन का साइज़ है, ठीक है। और उसके बाजू में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे किचन ओटा बताया है और एक विंडो बताया है और यहाँ पे एक डोर बताया है, तो यह जो डोर है यह इस वॉश एरिया को यूज़ करने के लिए, मतलब यहाँ पे जो है हमने 3 फीट का ऑफसेट छोड़ा है, 3 फीट की जगह छोड़ी है तो यह पूरा जो है हम वॉश एरिया कह के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालेंगे क्योंकि इस साइड में हमारी जगह नहीं है या तो इस साइड में भी हमारी जगह नहीं है। अगर आपके प्लॉट में ये जो है इस साइड में या इस साइड में जगह है तो आप आराम से यहाँ पे स्लैब डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालेंगे, इसका एक फ़ायदा होगा कि इस लिविंग रूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा और इस किचन को भी वेंटिलेशन मिल जाएगा क्योंकि बाजू में जो है बाजू के में अलग लोगों की प्रॉपर्टी है, अगर उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया इस वॉल को चिपक के हमारे तो फिर हमारा वेंटिलेशन पूरा दब सकता है, इसलिए यहाँ पे हमें वेंटिलेशन देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम स्लैब बिल्कुल नहीं डालेंगे। उसके बाद में हम जनरल टॉयलेट बाथरूम की तरफ चल रहे हैं। देखिए इस लिविंग रूम से ही एंट्री कर सकते हैं किचन में या तो जनरल टॉयलेट बाथरूम की तरफ या तो इस बेडरूम की तरफ। तो पहले जनरल टॉयलेट बाथरूम देख लीजिए। देखिए 4 फीट बाय 3 फीट का एक टॉयलेट है और 5 फीट 8 इंच बाय 3 फीट 8 इंच का बाथरूम है, मतलब रेगुलर साइज़ है अपन। लेकिन इन दोनों को वेंटिलेशन के लिए देखिए यहाँ पे फिर से एक ओपन डक्ट रखा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ओपन डक्ट रखा है ताकि इस टॉयलेट को और इस बाथरूम को वेंटिलेशन मिल सके। लास्ट में देखेंगे तो देखिए हमारा एक बेडरूम है 10 फीट 6 इंच बाय 10 फीट 6 इंच का इस बेडरूम का साइज़ है, तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है प्लॉट के हिसाब से। और यहाँ पे ये जो रोड है रोड के साइड में हम बड़ा सा विंडो हम लगा सकते हैं और यहाँ पे भी एक छोटा सा विंडो हम लगा सकते हैं। तो इस टाइप में ये पूरा
20 फीट बाय 30 फीट का में यह पूरा प्लान बिठाने की हमने कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो जो है, यह प्लान जो है, आपको समझ में आया है और पसंद भी आया है। अगर आपको यह प्लान पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है इस प्लान से किसी न किसी को कुछ न कुछ थोड़ा सा भी फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ यह वीडियो आप शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि सबका चॉइस अलग होता है, सबका रिक्वायरमेंट अलग होता है और सबका प्लॉट का साइज़ भी अलग होता है, तो हो सकता है यह प्लान किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा दे सके। तो प्लीज़ हमारे सारे वीडियो आप शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें। यहाँ पर लगभग हज़ारों प्लान्स और डिजाइन हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल के अंदर जाइए और देख लीजिए, पिछले सारे वीडियो देख लीजिए। हो सकता है आपके सपनों का प्लान या आपके प्लॉट पर बैठने वाला प्लान हमने ऑलरेडी डाल रखा हो, तो प्लीज़ हमारे पिछले सारे वीडियो आप चेक कीजिए। और अभी तक आपने हमारा अगर आपका प्लान अभी तक हमने अपलोड नहीं किया है तो प्लीज़ कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, हम हज़ारों प्लान और भी लाने वाले हैं, तो प्लीज़ हो सकता है आपके सपनों का और आपके चॉइस का प्लान यहाँ पे मिल सके। और अगर आपको प्लान हमसे बनवाना है या प्लान या डिज़ाइन बनवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे जो है स्क्रीन पर दो नंबर दिख रहे हैं, हमारे ऑफिस के नंबर है, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।